अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उस्मान और आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो को बनाने का मकसद एक सोलर पैनल है जो कि मैक्स पावर कैप। इस सोलर के मुतलक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फराम करना है कि ये सोलर पैनल हमें कितनी कैपेसिटी फराम करता है, कितने वाट का है, क्या हमें इस सोलर पैनल को बाय करना चाहिए। अगर हम इस सोलर पैनल को मार्केट से बाय करते हैं तो हमें यह सोलर पैनल किस प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। इस पैनल को बनाने, इस सोलर पैनल पर वीडियो बनाने का मकसद ये मेन मकसद ये था कि मेरा ये एक 170 वाट का पैनल है जो कि आम रूटीन घर में इस्तेमाल होता है कुछ 12 वोल्ट पंखे वगैरह चलाने के लिए। इस प्लेट पैनल पर असल मकसद यही था कि ये जो पैनल है, ये अगर हम दूसरी कंपनी का पैनल देखा जाए जो मार्केट में आम है, जैसे सेल जर्मन, तो उनकी नस्बत इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई आपको देखने को मार्केट में देखने को मिलती है। अगर हम सेल जर्मन की बात करें तो वो आपको मार्केट में 12,500 का देखने को मिल जाएगा आज के दिन, और अगर इस सोलर पैनल की बात करें तो ये आपको मार्केट में 15,500 की प्राइस में देखने को मिलेगा। तो अगर आप सोलर पैनल बाय करने जाते हैं तो आपको इनमें से कौन सा सोलर पैनल बाय करना चाहिए? क्या आपको 12,000 वाला सोलर पैनल बाय करना ये चाहिए या 15,500 वाला? क्या इन दोनों सोलर पैनल में कोई फ़र्क है या नहीं है? पहले मैं आपको सेल जर्मन के बारे में थोड़ी मालूमात फराम कर देता हूँ। सेल जर्मन है वो आपको मैक्सिमम 7 से 8 एम्पेयर देता है, वोल्ट 21 से 22 देता है। तो अगर हम आज इसके वोल्ट एम्पेयर चेक करेंगे, अगर हम इस पैनल बाय करते हैं तो क्या हमें ये पैनल बाय करना चाहिए या फिर वो पैनल बाय करना चाहिए? क्वालिटी के लिहाज अगर देखा जाए तो ये सोलर पैनल उनसे थोड़ी क्वालिटी वाइज थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। सेल वाइज अगर आप इसकी कंपनी वाइज देखा जाए या क्वालिटी वाइज देखा जाए तो अगर आप मुकम्मल इसकी जो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ये आपको सेल जर्मन थोड़ा अच्छा ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस है जो इसकी क्वालिटी इसमें यूज़ हुई है जो वो सेल जर्मन की नस्बत ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, सोलर पैनल मैक्स पावर का जो हम बाहर लें, अगर आप इसके सेल को देखें तो सेल इसका जो है वो पॉली सेल लगा हुआ है, फुल नीला सेल है पॉली में, ठीक है, और वो भी थोड़ा बहुत क्रिस्टल जो है ना शेड वो हमें देता है अगर आप गौर से देखें तो। मैक्स पावर का अगर हम सेल जर्मन से थोड़ा कंपेयर करें तो इसका जो साइज़ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है सेल जर्मन की नस्बत, और इस वक्त टाइम हुआ है तो वो बात करें 2 बजने वाले हैं और 2 बजे हम इसके एम्पेयर या वोल्ट देखते हैं ये हमें कितने वोल्ट फराम करता है। तो ये इसकी वायर है जो कि हम सबसे पहले इसके जो एम्पे वोल्ट हैं वो देखते हैं ये हमें कितने वोल्ट इस वक्त 2 बजे की धूप में परफॉर्मेंस हमें दे रहा है। अगर आप देखें तो इस वक्त ये हमें 22 वोल्ट पूरे फराम कर रहा है। अगर आप देखें जो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी बिल्कुल धूप की साइड पर है, ठीक है, 22 वोल्ट हमें ये इस वक्त फराम कर रहा है। अगर हम इसके एम्पेयर की बात करें तो एम्पेयर देखें तो ये हमें इस वक्त तकरीबन चेक कर रहे हैं एम्पेयर कितने फराम करता है, तो आप लाइव चेक करें कि हमें ये इस वक्त 8 एम्पेयर फ्राम कर रहा है, ठीक है, ये देखें 8.34 एम्पेयर इस वक्त ये हमें पैनल फ्राम कर रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आपको सोलर पैनल जो मैक्स पावर है इसके बारे में बताया जाए, अगर आप सोलर पैनल बाय करना चाहते तो आपको कौन सा करना चाहिए। अगर आपका बजट 15,000 के लगभग है तो आपको मैक्स पावर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक परफॉर्मेंस हैवी दे देता है, उसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है पैनल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर वीडियो आप कहीं से भी ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी नई वीडियो आए उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।